वेलकम टू बिहार ग्राम, दिस इज जय सिंह राठौर और आज हम लोग जाएंगे ग्रीन गॉब्लिन के साथ केपर स्पोर्ट्स एकेडमी, सॉरी स्पोर्ट्स क्लब। वहां पे हम लोग देखेंगे क्या क्या मिल सकता है पटना में आपको, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं वहां पे। पहुंच चुके हैं यहाँ पे केपर स्पोर्ट्स क्लब में, जो कि आपका आर्य समाज मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। आप यहाँ पर आ सकते हैं बहुत आसानी से, डायरेक्शंस आपको लास्ट में दिए जाएंगे। और अभी आइए आपको मिलवाते हैं हम कुछ लोगों से जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रिय हैं हमारे। पहले आशीष सर है, फिर अनुष्का मैम है। हाय मैम, हाय सर। तो सर, सबसे पहले मैं जो चीज़ जानना चाहूँगा, जो बिहार ग्राम की जो आपकी ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि केपर स्पोर्ट्स क्लब में क्या क्या खास बातें हैं, यहाँ पे क्या क्या है। सर, हमारे पास स्विमिंग पूल है, लॉन टेनिस है और क्रिकेट है, सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है हमारे पास। और एक जुम्बा हमारा आफ्टर होली स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा डायरेक्शंस लेंगे कहाँ पे क्या है और देखेंगे कितना अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे, हाइजीनिक। बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दानापुर और पटना के बिल्कुल पास में, करीब में यहाँ पर आपको बेली रोड में मिल जाएगा ये। और बहुत लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं, इसलिए यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से लोगों को बताऊंगा कि कितना कितना अच्छा और कितना परफेक्ट जगह है यहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, स्विमिंग इज़ माय फेवरेट, तो आप आ सकते हैं। क्रिकेट के भी यहाँ पे होता है, टेनिस होता है और इतना अच्छा फैसिलिटी है ना कि आप देखेंगे। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी हम लोग लॉन टेनिस, कैफेटेरिया और क्रिकेट ग्राउंड आपको विजिट कराते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैफेटेरिया जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग भैया को हाई किए थे वहाँ पे कैफेटेरिया में, और लॉन्ग टेनिस है यहाँ पे जो कि बिल्कुल आपको फिजिकली फिट रखने में हेल्प करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटी है और कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ये हमारा कैफेटेरिया जो है, तो बेसिकली हमारा कैफेटेरिया है, इतना सुंदर सा, बिल्कुल देसी बना के रखे हैं, पूरा बम्बू का ही काम है इसको। तो ये बैम्बू से बना हुआ कैफेटेरिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी कोविड ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन जो क्लब मेंबर हैं हमारे, उनके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन ये किट्टी हम लोग अरेंज कराते हैं इस पे यहाँ पे, तो नॉमिनल चार्ज पे हम लोग इसको अवेलेबल कराते हैं। ओके, ये हमारा किचन पार्ट है, ये हमारा मेंबर के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी स्पेसियस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देसी जो हम लोग बोले, देसी है, देसी। अब कहाँ जाएंगे सर हम लोग? हम लोग लॉन्ग टेनिस को विजिट कराते हैं। ओके, तो हम लोग चलेंगे अभी लॉन्ग टेनिस की ओर। ये हमारा लॉन्ग टेनिस है, अभी हमारा प्रोफेशनल बच्चे जो आते हैं वो हमारे प्रैक्टिस पे हैं। अच्छा, 4:30 से हमारा बिगनर लेवल का प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, तो 4:30 से बिगनर लेवल के लोग यहाँ पे आ सकते हैं जिनको सीखना है। ये प्रोफेशनल बच्चे हैं, ये प्रोफेशनल है सारे। हाँ, ग्रेट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बच्चे हैं बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। अच्छा आशीष भाई, ये लोग कहाँ किस लेवल पे खेल चुके हैं अभी? ये लोग स्टेट रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कुछ लोग दिल्ली ड्यूज में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बच्चे सब लोग काफी इंप्रूव कर रहे हैं। ग्रेट। पटना में और यहाँ दानापुर के करीब इतनी अच्छी फैसिलिटी का होना बहुत ही रेयर है और बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। अब आशीष भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्रिकेट ग्राउंड पे हम लोग विजिट। क्रिकेट ग्राउंड पे जाएंगे हम लोग। क्रिकेट बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट रहा है बचपन से मेरा, वो बात अलग है, कभी हम बहुत जल्दी जल्दी आउट होते थे। हम लोग भी क्रिकेट काफ़ी खेले हुए हैं एज में। बिल्कुल, अभी भी हम लोग टाइम कभी मिलता है तो एक दो घंटे हम लोग आगे क्रिकेट में यूजफुल रहते हैं यहाँ पे। ये हमारा नेट प्रैक्टिस है। ओके, यहाँ बच्चों को हम लोग बेसिक देते हैं बेसिकली। अच्छा, और फिर बच्चों को मंथ में 2 मैच हम लोग बाहर लेवल पर देते हैं, बेसिक हम लोग यहाँ पे उन लोग को बूस्टअप करते हैं। ये हमारा बॉलिंग मशीन है, शायद पटना में 2-3 क्लब के पास ये बॉलिंग मशीन होगा। ओके, तो ये बहुत ही रेयर है। ये बहुत रेयर है, ये हमारा बॉलिंग मशीन है, ये हमारा एस्ट्रोटर्फ है। दो नाइस। तो अच्छा, यहाँ पे कोई सिखाने भी आता है? हाँ, यहाँ पे मोहम्मद हामिद है,
मोहम्मद हामिद, हाँ वो कोलकाता से हैं, वो आते हैं गाइड करने बच्चों को। इसका भी दो बैचेज है हमारा, 230 to 430 का सीनियर का और 430 to 630 का जूनियर लेवल का हमारा सेशन चलता है यहाँ पे। और ये हमारा नेक्स्ट ग्राउंड हो गया। ओके ग्रेट। तो दोस्तों क्रिकेट लवर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है, स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिगिनर्स हो या फिर एक तरीके से जो पहले से खेल रहे हो वो भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मशीन लगी हुई है जो कि भैया ने बताया कि 2-3 ही जगह पे ऐसा होगा मशीन पटना में, तो आप आया यहाँ पे आइए, समय दीजिए, क्योंकि केपर स्पोर्ट्स क्लब जैसी जगह आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि बहुत ही रेयर है पटना में खास करके। यहाँ पे जो प्रोफेशनल बच्चे होते हैं उसके लिए 1-2 आवर बेसिस पे भी हम लोग क्रिकेट नेट्स और बॉलिंग मशीन को अलाउ करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हों जो आवर बेसिस पे खेलना चाहते हैं तो आके कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रेट, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। होता है कई बार कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को जो मंथली होता है या फिर कई तरीके से, तो आप अगर इसको आवरली भी अगर अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। मैं पर्सनली चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी क्रिकेट सीखना है अभी अच्छे से। एकदम हम लोग खेलेंगे संडे को। बिल्कुल सर, हम लोग आते हैं अब, अभी कहाँ जाएंगे, स्विमिंग पूल। मेरा फेवरेट पार्ट है स्विमिंग पूल, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता ऐसा था ना कि हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट, ऑफिस का प्रेशर, इधर उधर का काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स, बट स्विमिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी इस तरह का फिजिकल एक्टिविटीज़ एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप करके उस स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं स्विमिंग पूल। लोग आ चुके हैं मेरे फेवरेट जगह पे स्विमिंग पूल, और वहाँ पे बैठे हैं शशांक सर। शशांक सर हम लोग को सिखाते हैं, इसके पहले बादल भैया भी थे और शशांक सर ने मुझे पूरा सिखाया है स्विमिंग। आशीष भैया आप मुझे स्विमिंग को बताइए कि इसका कितना, मतलब कितना बड़ा ये पूल है और यहाँ पे क्या ऐसा है जो बाकी पूल्स में नहीं है। सबसे बड़ा जो है ये इंडोर पूल है, तो इस पर बाकी जगह पे कहीं इंडोर पूल नहीं है, बिहार का फर्स्ट है जो इंडोर पूल है। दूसरा इसका जो लेंथ है 25x15 का है, तो बड़ा पूल है ये, काफ़ी बड़ा पूल है। एग्जैक्टली और प्लस है कि मेंटेनेंस हमारा बहुत ही हाई लेवल पे रहता है, 18 hours a day हमारा फिल्ट्रेशन चलता है, और बाकी आप हाइजीन देख ही रहे हैं कि क्या है ये हाइजीन यहाँ पे। बिल्कुल, सबसे पसंद जो मुझे आई थी कि पानी टाइम टू टाइम चेंज होता था यहाँ पे, जो कि आपको अधिकतर स्विमिंग पूल्स में नहीं दिखेगा, गंदा हो जाता है स्विमिंग पूल। आप देखिएगा पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप देख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ शशांक सर हैं जो कि बिल्कुल काफ़ी नेशनल लेवल स्विमर रहे हैं एक टाइम पे। सर आप इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज़ अपने आप को पहले। हेलो, मैं शशांक, यहाँ केपर क्लब का स्विमिंग कोच हूँ, और ये मेरे जय सिंह राठौर, इधर आशीष सर हैं। सर एक ही फ्रेम में आ जाते हैं सर हम लोग। तो शशांक सर एक बात बताइए मुझे कि आपको बेसिकली, मतलब आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि आपने क्या क्या किया है, आप स्विमिंग में किस हद तक किस मुकाम तक गए हैं और आप कितने समय से यहाँ पे सिखा रहे हैं। स्विमिंग एक्चुअली हम लोग बचपन से ही सीखे हैं और लगभग नेशनल प्लेयर हम रह चुके हैं, और NDRF के संग हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और NDRF के को प्रशिक्षित भी किए हैं, ट्रेनर भी थे उसमें हम लोग। और फिलहाल हम यहाँ आने के पहले भारतीय बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में स्विमिंग कोच थे, और कोविड के कारण थोड़ा उधर बंद हो गया था पूल जो राजेंद्र नगर में है, तो केपर क्लब में पूल खुला हुआ था और आशीष सर ने हमसे कांटेक्ट किया, तो मैं खाली था तो हम चले आए, लेकिन हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर के और मेरे लायक ये पूल है। जी सर, आप अभी हमसे बात हो रही थी तो हम आपने बताया था कि यहाँ पे बिगिनर्स जो हैं स्विमिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। नहीं, इसमें डेप्थ कम है, डूबने का बहुत कम चांस मिलता है, और एक बार पूल में इन कर जाइए तो डर नहीं रहता है कि हम डूब जाएंगे। हम लोग फ्री माइंड होकर सिखाते भी हैं, अभी हमारे कुछ बिगिनर भी स्टूडेंट बस चेंजिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो बिगिनर स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और एक और चीज़ देखेंगे किस तरीके से स्विमिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में एक यही पूल है जहाँ के पोडियम है,
जहाँ से कि आप स्विमिंग डाइव लगा सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप वहाँ जो बोल रहे हैं जो एंड पे पोडियम है, और ये लेन जो बना हुआ है टी मार्क ये भी आपको बिहार में किसी पुल में नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी टी मार्क्स है। अच्छा सर, टी मार्क्स का क्या ऐसा मतलब? टी मार्क से लेन मैंने डिसाइड हो जाता है कि ये मेरा लेन है, ये आपका लेन है, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 9 तक 10 तक लेन रहता है एक पुल में, तो हर एक उसी के हिसाब से बना रहता है टी मार्क कि हमको। और एक तरह से जो प्रतिभागी रहता है उनको सीधा चलने में सीखने में मदद होता है। पुल में यह है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं तो जितना भी है फोर्स से अपने ही फोर्स से आपको चलना होता है, उसमें आपको पुल से कोई मदद नहीं मिलता, जो भी करना आपको अपने ही करना है। तो इस एक सीधा लाइन बना रहता है टी मार्क, तो हमको उस पर चलते हैं तो हमको सीधा चलते हैं, स्विमिंग सीधा मेरा होता है, सीधा होता है, तो टाइमिंग का बहुत अंतर फर्क पड़ता है इसमें। ग्रेट सर, थैंक यू सर, हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा आशीष भैया, आप बताइए मुझे कि स्पोर्ट्स केपर स्पोर्ट्स क्लब जो था वो कब यहाँ पे बना है, ठीक है, और आपका रोल इसमें क्या है? 2018 में इसका हम लोग ने स्टार्ट किया था 26 जैन को, और मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर हूँ यहाँ पे, तो सब कुछ मैनेजमेंट करना मेरे ही अंदर आता है। और हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो उसके बाद 2 साल कोविड का इम्पैक्ट आया, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं स्ट्रेंथ बच्चों के नंबर के स्ट्रेंथ में, नहीं तो आई विश कि इस साल हम लोग काफ़ी अच्छा नंबर रिसीव करेंगे इस पर। बिल्कुल सर, क्योंकि जानते हैं बात ऐसी है कि आपको एक अच्छा फैसिलिटी का मिलना बहुत ही रेयर है इन जगहों पे, तो आपको ये जो फैसिलिटी मिल रही है वो बहुत बेहतरीन है, तो ऑब्वियसली सर आपका नंबर्स इंक्रीज होगा। एडिशनल फैसिलिटीज़ हमारे पास स्विमिंग पूल मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंट्स हो गया शॉवर फैसिलिटी है, बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं, शॉवर लेके स्विमिंग पूल में एंटर कीजिए ताकि आपकी कुछ मतलब गंदगी उसमें ना चली जाए, और साथ में आपका बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल उसके बराबर में हो जाए। फिर आपका लेडीज़ चेंजिंग रूम, आपका शॉवर रूम बिल्कुल अलग है यहाँ पे। एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे लॉकर मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं भी जब सुबह में आता था ऑफिस के लिए जाता था, तो मुझे अपने वैल्यूएबल्स फ़ोन्स हो गए, पर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको एक जगह पे रखना होता था, तो यहाँ पे लॉकर है, आपको लॉकर का की दिया जाएगा, आप लॉकर में आराम से रखिए अपना सामान और जाके शिद्दत के साथ स्विमिंग कीजिए। फैसिलिटीज़ की अभी वो तो थोड़ा सा गहरा था, तो अभी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं 6 से 9 साल के, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको भी स्विमिंग करना है और जितनी जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना बेहतर। तो उसके लिए एक बेबी पूल है हम लोग के पास में, यहाँ पे केपर में ये बेबी पूल है जिसमें इंस्ट्रक्टर रहते हैं एनी टाइम, वहाँ पे आप अपने बच्चों को आराम से यहाँ पे स्विमिंग सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए, बिगिनिंग के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर जगह है, बिल्कुल हाइजीनिक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि आपका बच्चा उसमें डूब जाए या फिर उसको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एनी टाइम मौजूद रहेंगे आपके लिए। वापस से हम लोग आ चुके हैं अनुष्का मैम के पास में। अनुष्का मैम बहुत ही प्यारी और हंसमुख है, हमेशा हंसते रहती है। मैम यहाँ के फैसिलिटी के बारे में कुछ पूछेंगे आपसे कि यहाँ की टाइमिंग, अलग अलग स्पोर्ट्स की जो टाइमिंग है वो क्या है, और एक और चीज़ पूछूंगा कि उस स्पोर्ट्स की पर्टिकुलरली प्राइसिंग कैसे कैसे है। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि हमारे पास 3 स्पोर्ट्स ऑपरेशनल है, टेनिस, क्रिकेट एंड स्विमिंग, जुम्बा हमारा अपकमिंग है। 1000 हमारा इनरोलमेंट चार्ज है, जो आप हमारा मेंबरशिप चार्ज भी आप बोल सकते हैं उसको, एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स के अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे स्विमिंग का 4000 अ मंथ है एंड क्वार्टरली पैकेज आपको 11000 अ मंथ है। इसी तरीके से आप जितना लॉन्ग टर्म पैकेज लेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड क्रिकेट 3000 अ मंथ है एंड 8000 फॉर क्वार्टरली 3 मंथ्स, एंड टेनिस 4000 अ मंथ एंड क्वार्टरली 11000। ओके, एंड टाइमिंग्स सभी के डिफरेंट हैं। क्रिकेट का आपको सीनियर जो बैच जाता है वो 2:30 to 4:30 एंड जूनियर्स 4:30 to 6:30 है। एंड टेनिस का हर जैसे जैसे ग्रुप्स है, रेड ग्रुप, ऑरेंज ग्रुप एंड ग्रीन ग्रुप्स का अलग अलग टाइमिंग है, 4:45 to 5:45, 5:45 to 6:45 एंड सीनियर बैच 6:45 to 7:45। एंड स्विमिंग का भी जो हमारा करंट टाइमिंग जा रहा है वो 12 to 3 है। मे बी जैसे वेदर चेंज होगा ये अर्लियर 7 o'clock से और 6 o'clock से स्टार्ट होगा, जो नाइट 8-9 तक चलेगा रेगुलर क्लासेस। सो बिल्कुल मैम, मुझे भी याद है कि जब मैं ऑफिस जाता था सुबह में 7 बजे हम यहाँ पे पहुँच जाते थे, स्विमिंग करके आराम से ऑफिस पहुँच जाते थे। तो जैसे से अभी ठंड है एक्चुअली में और लोगों की तबीयत ना खराब हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए केपर ने, स्पोर्ट्स क्लब ने इसको इस अकॉर्डिंग इसका टाइमिंग रखा है। थैंक यू अनुष्का मैम। हम लोग जा रहे हैं हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को ताज़ा करने के लिए, तैराकी करने के लिए,
जो हम लोग पहले किए थे। चलते हैं। बहुत पहले से स्विमिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे गोताखोर हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रखर प्रांजल, दैट्स इट। ओके, तो किसान सर आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। मेरे को तैरे हुए अगर एक्चुअली बताएं तो मोर देन 7 से 8 महीना हो चुका है पर्टिकुलरली, तो आई डोंट नो अभी क्या होगा। कुछ है? सही है सर, तो नॉट बैड बिना हाथ के तैरते हुए। अभी कुछ कुछ बेसिक्स है जो आपको बताऊंगा, जो शशांक सर ने सिखाया है कि पहले आपको अपना ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीखना है, उसके बाद ही आप स्विमिंग कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाइट के यहाँ तक आ रहा है, उधर पूल ज़्यादा गहरा है और उधर थोड़ा कम गहरा है, तो आप लोग यहाँ पे सेफली काफी ज्यादा अच्छे से स्विम कर सकते हैं। थोड़ा लेट है, प्रैक्टिस ही नहीं है, सब ज़्यादा जल्दी हो जाता, बाकी सब बढ़िया है। Once a swimmer, always a swimmer. कैसा था सर? बेसिक्स बबलिंग से स्टार्ट होता है, राइट सर? सॉरी सर, ये काम आप ही कीजिए, आप बताइए थोड़ा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रीथ आउट करोगे। मुंह से लेना है और नाक से छोड़ देना है पानी के अंदर। Right, sir. बबलिंग करने से पूरा बॉडी रिलैक्स बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। जितना ताकत लगता है उतना बबलिंग करने से रिलैक्स हो जाता है बॉडी। राइट सर, तो बबलिंग आपके स्टैमिना को इंक्रीज करेगा। ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, तब यहाँ पे आइएगा नहीं। और स्विमिंग आपके स्ट्रेंथ को, इट्स इंक्रीज योर लेग स्ट्रेंथ, दैट्स ऑल। अंडर वाटर 15 मीटर जाएंगे, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे, और बिना हाथ का यूज किए हुए, हाथ को पीछे रख के फायदा उसे आशीर्वाद।
मिशन अकॉम्प्लिश्ड।